पिछले 3 दिन से लगातार पठानकोट एयरबेस एफओ स्टेशन पे मुठभेड़ जारी है। अब भी आशंका जताई जा रही है कि एक वहां पर आतंकी छिपा हो सकता है, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा दे, एनएसजी के कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई की, ये उनका परिवार यहां पर मौजूद है और परिवार की आंखें नम है, लेकिन उनको ये फक्र है अपने बेटे पर कि उसने देश के लिए शहादत दी। तो शहीदों को सलाम करता IBN 7 भी, लेकिन आप इसी बीच अब भी पठानकोट एफओ स्टेशन पर मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के परिवार में उनकी पत्नी है और उनके उनकी एक 1.5 साल की बच्ची है, और जो खबरें आई उसमें ये भी पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई ने इस ऑपरेशन के थोड़ी देर पहले ही अपने पिता से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं एक ऑपरेशन में हूँ, आपसे मैं थोड़ी देर में बात करते हूँ। वो उनके आखिरी शब्द थे, उनके परिवार से जो उनकी बात हुई और उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। कल जब लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर थे तो एक टेररिस्ट की बॉडी से बम डिफ्यूज करने की कोशिश करते और उसी वक्त ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। उनके शव को बैंगलोर, उनके उनके पार्थिव शरीर को बैंगलोर ले जाया गया जहां उनका परिवार रहता है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर उनके परिवार की और दूसरी तस्वीर जहां पे उनका पार्थिव शरीर यहां पर मौजूद है, बेंगलुरु की ये तस्वीरें। आपको ये भी बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के जो भाई है वो भी इंडियन एयरफोर्स में ही काम करते हैं और हमारे 7 जाबाज जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं, 4 आतंकी इसमें मर चुके हैं, लेकिन अब भी ये ऑपरेशन जारी है पठानकोट एफओ स्टेशन में। ये परसों रात को करीब करीब 1:30 बजे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था और लगातार उसके बाद ये खबरें भी आई थी कि सारे जो आतंकी, तमाम आतंकियों को वहां पे मार दिया गया था जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही थी, लेकिन अब भी रुक रुक कर वहां से गन फायरिंग के शॉट्स सुनाई पड़ रहे हैं और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। लेकिन ये तस्वीरें यहां पर भावुक करती हैं, उनका परिवार यहां पर साथ खड़ा है, लेकिन फक्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दी। और पठानकोट में एयरबेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में अंबाला का एक जवान गुरसेवक सिंह भी शहीद हो गए। 24 साल के गुरसेवक अंबाला के गरनाला गांव का रहने वाला था और उनकी बीती 18 नवंबर को ही शादी हुई थी। गुरसेवक के बड़े भाई हरदीप भी भारतीय सेना में ही हैं और धर्मशाला में तैनात हैं, और इस दुख की घड़ी में परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, ये उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। वहीं हरियाणा सरकार ने गुरसेवक के परिवार को 20 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरसेवक सिंह की शहादत के बाद उनके घर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, किस तरीके का वहां पर माहौल है, पूरा परिवार गमगीन है, साथ ही पूरे देश की आंखों में भी आंखें नम हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त मौजूद है। अमित, यहाँ पर तस्वीरें हैं, दिख रहा है कि किस तरीके से परिवार गमगीन है, लेकिन फक्र अपने बेटे पर भी है कि देश के लिए वो काम आ सका। ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके के अभी हालात है, कोई और जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं इस एनकाउंटर को पहले दिन से कवर कर रहा हूँ और ये इंडियन एयरफोर्स और हमारे एनएसजी के कमांडोज और जो जितने दूसरे जवान हैं इंडियन आर्मी के, उन लोगों की बहादुरी की मिसाल है कि ये जो आतंकवादी है इनको एक ही जगह पे रोक लिया गया है। ये लोग बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी जान देकर जो है इन लोगों को वहां पर रोके रखा, इनको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया। और गुरसेवक सिंह हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, इन लोगों ने अपनी जान देकर जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। 7 जो हमारे जवान और अधिकारी हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं इस ऑपरेशन के अंदर, और लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों ने अपनी शहादत देकर इन आतंकवादियों के जो मंसूबे थे उन वो कामयाब नहीं होने दिए हैं, और यही वजह है कि ये जो ऑपरेशन है अब 3 दिनों तक खिंच गया है। अब जो अथॉरिटीज है वो नहीं चाहती कि इससे ज्यादा कैजुअलिटी हो, और इसीलिए इन आतंकवादियों को एक ही जगह पर कंटेन करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है इनके ऊपर कार्रवाई की, ताकि कोई और कैजुअलिटी।
डैमेज ना हो, इस तरीके से ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। और जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो अभी अभी जो है जो कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चल रहा था, इसका जो दायरा है बढ़ाकर जो यहाँ पर आर्मी का एक बहुत बड़ा छावनी है मैमून कैंट, वहां पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है किया जा रहा है, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और कुछ ऐसी ऐसी अपोस्ट सभी जानकारियां आ रही है कि हो सकता है कि कोई क्लू जो है मिला हो सिक्योरिटी एजेंसीज को कि कुछ और इनके जो साथी हैं ये टेररिस्ट जो है वो एयरफोर्स किसी इलाके में हो सकते हैं। तो अभी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो लगभग पूरे जो यहाँ पे डिफेंस का इलाका है पठानकोट में, वहां पे पूरे में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, और पूरे देश को भी अपने इन जवानों पर नाज है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद निरंजन को सलाम करते हुए ये तस्वीरें हैं और शहीद गुरसेवक को भी नमन करता है पूरा देश यहाँ पे, क्योंकि इनकी जाबाजी से ही हम आज सुरक्षित हैं। लेकिन परिवार की आंखें यहाँ पर गमगीन है, माहौल यहाँ पर गमगीन है। पिता साथ में बैठे हैं, साथ में निरंजन लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की पत्नी भी यहाँ पर है, उनकी 1.5 साल की एक बच्ची है उनके परिवार में। और शहीद गुरसेवक का आपको बताएं तो पिछले नवंबर को ही इनकी शादी हुई थी, और दोनों के ही जो भाई हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स में और सेना में मौजूद हैं। तो किस तरीके का माहौल है घर में ये तस्वीरें साफ दिखती हैं, लेकिन घर वालों को एक गर्व है कि हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने देश के लिए शहादत दी। लेकिन इसी बीच 3 दिन लंबा यह ऑपरेशन पठानकोट में खिंच चुका है। शुरुआत परसों रात को हुई थी, जब रात के 1:30 बजे कुछ आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुस गए थे। रात भर यहां पर फायरिंग होती रही, एक्सप्लोशन भी सुने गए, लेकिन उसके उस बीच हमारे जवानों ने जाबाजी दिखाते हुए उन आतंकियों को एक जगह रोका, जिनमें से 4 को वहीं पर मार गिराया गया। खबर ये आई कि खत्म हो गया था, लेकिन आज 3रा दिन है जब ये ऑपरेशन जारी है। पूरे दुनिया में हो रहा है तो हम उसके लिए कर रहे हैं, तो लेकिन जो आदमी टेररिस्ट है, जो मरने के लिए तैयार है, उसको रोकने के लिए हमें ऐसे लोगों की बलिदानी देनी पड़ती है। इसका कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तो मालूम था अभी ऐसे पठानकोट में आ रखे हैं टेररिस्ट, लेकिन इतना बड़ा एरिया है, कहाँ स्ट्राइक करेंगे, कितनी कहाँ फोर्स लगा सकते हैं। और जो बंदा एक बार मरने के लिए आया है सोच के ठान के, उसको रोकने के लिए ऐसे सेक्रीफाइस हमें देने पड़े। बस जी, उनका तो नेचर जो स्वभाव था वही याद रहेगा जी, और उनकी दिलेरी जो वही याद रहेगी जी, हमेशा, कभी बोल नहीं सकते उनको। हर एक बंदे के साथ उनका बोलने का तरीका, और पूरे रिश्तेदारों में इंटेलिजेंसी, उनकी स्टडी में, हर एक चीज में, किसी चीज को लर्न करने में, कोई चीज भी हो चाहे स्टडी के अलावा, बहुत अच्छा जी, बहुत लायक, तारीफ नहीं कर सकता जी, गांव सारा जिला का, हम तो क्या जी, होर न किसी ने पूछ सका, बहुत लायक था जी, बहुत ज्यादा, मतलब इतना शोक पड़ गया गांव में जी इस बच्चे का। मतलब पहली बात तो जो 1.25 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, ये बहुत बड़े दुख की बात है कि 1.25 महीने के बाद, मतलब 1.25 महीने पहले इतनी खुशी के माहौल था, आज इतना मतलब शोक बढ़ गया गांव में जी। तो गुरसेवक सिंह के ये परिवार के यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। और पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई की भी हमने आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाई, जहाँ पे उनका परिवार पूरा वहाँ पर मौजूद है, परिवार की आंखें नम हैं। और साथ ही तस्वीरें हम आपको शहीद कमांडर गुरसेवक सिंह की भी दिखा रहे हैं। पूरा गांव आज गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन गांव की आंखें नम हैं, परिवार की आंखें नम हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी लगातार पठानकोट एयरबेस से बने हुए हैं। अमित, ये बताइए कि अब ये ऑपरेशन किस स्टेज तक पहुंच चुका है, क्या आपको जानकारी मिल रही है? रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर जो है वो काफी कम है, इक्का दुक्का गोली चलने की आवाज आती है, फिर आधे घंटे तक लगभग शांति हो जाती है, फिर एक आधी गोली चलती है, इस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन लेकिन ये है कि अब इस वक्त जो सारा जोर जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन पे है, ये ढूंढा जा रहा है कि कोई और टेररिस्ट तो इस इलाके में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 4 पहले टेररिस्ट मार, ये लगभग माना जा रहा था कि अब और कोई टेररिस्ट नहीं है, फिर अचानक दो आतंकवादी जो है वो एयरफोर्स स्टेशन में मिल जाते हैं और उनके साथ
एंगेजमेंट शुरू होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ऐसी दोबारा से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर ना हो, तो इसलिए पूरे पठानकोट में ये अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास। अभी एयरफोर्स स्टेशन के अलावा ये जो सर्च अभियान है ये मैमून टेंट्स जो आर्मी का आर्मी की एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे एक पूरी डिवीजन है उसके आसपास जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी पंजाब पुलिस और भारतीय जो सेना है उसने शुरू किया है। अमित आप हमारे साथ बने रहिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को सलाम और शहीद गुरसेवक को नमन, ये तस्वीरें और अंतिम संस्कार आज ही किया। पूरा देश आज हमारे इन जाबाजों के शहादत को सलाम करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के घर की तस्वीरें जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, साथ ही हमारे जाबाज शहीद गुरसेवक सिंह की जो उनका पार्थिव शरीर भी उनका घर पहुंचा है और दोनों परिवारें यहाँ पे उनकी आंखें एकदम नम हैं और पूरे देश को इनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। आपको बता दें कि शहीद निरंजन का पार्थिव शरीर उनके घर बेंगलुरु पहुंच चुका है और पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हुए एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन थे जब वो एक टेररिस्ट की बॉडी से डिफ्यूज करते हुए बम, ये बम वहां पे एकदम से एक्सप्लोड हो गया और उनकी जान चली गई। और शहीद गुरुसेवक को भी नमन करता है पूरा देश, इनकी डेढ़ महीने पहले ही शादी हुई थी और अभी हमने सुना भी पूरा गांव किस कदर उनकी तारीफ कर रहा था, कितने जाबाज वो थे और कितना हौसला दिया करते थे वहां पर लोगों को, ये तमाम चीजें यहाँ पे अब गाँव उनकी उन पलों को याद कर रहा है उनके साथ जो बिताए हुए, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर जाबाजी दिखाई है उस वजह से उनको पूरा देश नमन करता है। दो तस्वीरें और अब तक चार आतंकी इस पूरे इसमें मारे गए हैं, सात जवान हम खो चुके हैं। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के तीन दिन बीतने के बावजूद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। एबेस के अंदर से अब भी धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और बीती रात सुरक्षा बलों के जवानों ने लगातार आतंकियों की तलाश जारी रखी। अब तक चार आतंकी मारे जा चुके हैं, माना जा रहा है कि एक आतंकी अब भी जिंदा है। इस ऑपरेशन में अब तक सात जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से लगातार दूसरे दिन भी गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाके की आवाज आती रही। लगातार दूसरे दिन एनएसजी, एयरफोर्स और पंजाब पुलिस के जवान आतंकियों से लोहे लेते नजर आए। शनिवार को तड़के 3:30 बजे सीमा पार से घुसे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई जो रविवार को देर रात तक जारी रही। धमाकों के बीच इमारत में घुस चुके अंतिम आतंकी को मार गिराने का ऑपरेशन चलता रहा। मैं सर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हूं और यहां पर जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। अभी अभी जो यहां के एओसी हैं उन्होंने ये बताया है कि चार जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है और अभी लेकिन इस ऑपरेशन को जो है ख़त्म नहीं माना जा रहा है, अभी ऑपरेशन चल रहा है ऐसा एओसी का कहना है। शनिवार को खबर आई थी कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे जैश ए मोहम्मद के सभी आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने ये भी कहा था कि रविवार को सुबह की रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। शायद उन्हें आशंका थी कि अभी और आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर छिपे हो सकते हैं। और रविवार सुबह जैसे ही सेना और एयरफोर्स के जवानों ने झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया वैसे ही उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलने लगी। When the operation will end, when they will be neutralized, there is no way I can predict that. But I said I did express a hope that we are hopeful that by this evening they would be neutralized. इस फायरिंग से साफ हो गया कि एयरफोर्स स्टेशन के भीतर अभी और आतंकी छिपे हुए हैं। ये जानकारी मिलते ही आतंकियों को घेरने की तैयारी शुरू की गई। सेना के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ऊंची-ऊंची झाड़ियां और खास हैं। जैश के आतंकी इन्हीं की आड़ में छिप गए थे और रविवार को मौका मिलते ही उन्होंने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। Four terrorists have been confirmed killed as of yesterday evening, and right now the operation is going on. We will know only by towards the day end that how many have been killed today. एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा है, जो 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है
और यहाँ पे एलिफेंट ग्रास बड़ी ऊंची ग्रास है, कहीं एक या दो आदमी वहां पे छुप जाएं इस तरह से तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बीच एयरफोर्स स्टेशन से एक और दुख भरी खबर आई। शनिवार को मारे गए आतंकियों के पास से बरामद बम को डिफ्यूज करने के दौरान एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन बेंगलुरु के रहने वाले थे। हम इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के अंदर हैं। इस पूरे इलाके का आगे का जो हिस्सा है वहां पर अभी भी आप देख रहे हैं फायरिंग की आवाज आ रही है, अभी भी वहां पर जो धमाकों की आवाज आ रही है, फायरिंग अभी वहां पर चल रही है। और ये वो पूरा आगे का इलाका है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। जो कल यहां पर मुठभेड़ शुरू हुई थी वहां से अभी तक मुठभेड़ जारी है। इससे पहले शनिवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे। इनमें एक गार्ड था जबकि 5 डीएससी के जवान थे। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी शनिवार तड़के अंधेरे का फायदा उठाकर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के पिछले हिस्से में दाखिल हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ आतंकियों को घेरने और उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन। आतंकी बड़ी झाड़ियों और इमारत की आड़ लेकर जवानों को निशाना बना रहे थे। उन तक पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में काउंटर टेररिस्ट टीम एनएसजी स्वाट और एयरफोर्स गार्ड्स ने साझा कार्रवाई शुरू की। आतंकियों की टोह लेने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। शनिवार शाम तक खबर आई कि एयरफोर्स स्टेशन में घुसे 4 आतंकी मार गिराए गए हैं और ये चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। In 8 days, we got a major attack, a major escalation on an airbase. I think we should call off all talks with Pakistan. Then either Nawaz Sharif is not in control, and it is Rahil Sharif who is calling the shots. रविवार को भी दिन भर आतंकी और जवानों के बीच रह रहकर फायरिंग जारी रही। इधर एयरफोर्स स्टेशन के भीतर आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी तो बाहर के इलाके में सेना ने गहन तलाशी अभियान चला रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रियों से इस मुठभेड़ से जुड़ी हर जानकारी ले रहे थे। रात को पीएम ने इस मामले पर समीक्षा बैठक की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने पर कोई एक फैसला नहीं हो सका। बैठक में पीएम ने सुरक्षा की खामियों, ऑपरेशन में तालमेल की कमी और आतंकियों की घुसपैठ से जुड़े हर पहलू पर पूछताछ की। शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। पुख्ता खुफिया जानकारी होने के बावजूद मुट्ठी भर आतंकियों ने हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और तेजी के दावों को हवा में उड़ा दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या पठानकोट में आतंकी हमला सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी नहीं है? दिल्ली में प्रणय उपाध्याय के साथ पठानकोट से पवन शर्मा और अमित चौधरी की रिपोर्ट IBN 7।